बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुलगाम में आपको बताएं दो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ चल रही है, एनकाउंटर चल रहा है। सेना के कम चार जवान और एक पुलिस अधिकारी के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। आदि गांव देवसर कुलगाम में तड़के मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन चलाया, तलाशी अभियान चलाया गया। और आपको बताएं कि अंधाधुंध फायरिंग की जानकारी सामने आई थी। जब आतंकवादी छुपे हुए थे तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी और गोलीबारी में सेना के चार जवान और एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घायल हो गए। घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा के लिए ले जाया गया है। और यहूर रिजवी हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। यहूर, पूरी डिटेल बताइए, दो आतंकियों के न्यूट्रलाइज किए जाने की जानकारी आ रही है। बिल्कुल अंकिता, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह सवेरे ये जो ग्राउंड जीरो पे अभी आप दिख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, ये बिल्कुल अड़ीगाम देवसर कुलगाम का इलाका है। आज सुबह तड़के, जैसा कि आपने खुद भी बताया कि यहाँ पे एक मुठभेड़ शुरू हुई जो अभी भी बराबर जारी है। आप ये देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस काफी और फौज की टुकड़ियां यहाँ पे तैनात की गई है, काफी चौकन्ना है फौज की टुकड़ियां। और यहाँ अगर हम बात करें इस ऑपरेशन की तो अलसबा आज सुबह सवेरे जो है इस इलाके में एक मुठभेड़ शुरू हुई। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि आतंकी छुपे हुए हैं, उसके फौरन बाद उन्होंने पूरे इलाके का मुहासरा किया और उसके फौरन बाद यहाँ पे एक झड़प शुरू हुई। और इब्तदाई मरहल में हम आपको बताया कि पांच जो अहलकार हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के वो इसमें जख्मी हुए, जिसमें एक एडिशनल SP और चार फौजी जवान हैं वो जख्मी हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है, स्टेबल बताई जा रही है। अलबत्ता उनको इलाज मुआवजे के लिए जो है यहाँ के अस्पताल में जो है वो दाखिल किया गया है। स्पेशली बीबी कैंट की अगर हम बात करें वहाँ पे उनको इलाज मुआवजे के लिए दाखिल किया गया। और इसके साथ साथ जो एक बड़ी खबर उभर के सामने आ रही है वो यही है कि इस एनकाउंटर में अभी जराए के मुताबिक दो जो आतंकी हैं उनको ढेर कर दिया गया है। और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो हम नाजरीन तक जो है व्यूवर्स तक शेयर करना चाहते हैं कि इस एनकाउंटर में अभी तक जो है जराए के मुताबिक दो जो टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं। और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस ऑपरेशन को नीट एंड क्लीन तरीके से अंजाम देने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस। और जैसा कि सुबह भी हमने बताया और वक्फे वक्फे पे हम बता रहे हैं कि ये जो इलाका है ये काफ़ी गुंजान आबादी वाला इलाका है, ये रिहायशी इलाका है और ऐसे में एक नीट एंड क्लीन ऑपरेशन करना सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। हालांकि मौसमी हालात भी सुबह से काफ़ी ख़राब थे, यहाँ बूंदाबांदी थी और उस बूंदाबांदी के चलते भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने काफ़ी संयम बरता और उनने जो एक ऑपरेशन नीट एंड क्लीन अंजाम देने की कोशिश की, उसमें अभी तक जो है दो आतंकी जो है वो ढेर कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है आप ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा कैमरामैन को बताऊं, ये आपको दिखा सकते हैं, ये आप देखिए फौज के जवान जो हैं काफ़ी सतर्क हैं, काफ़ी जो हैं चौकन्ना है। और ये जो अभी ऑपरेशन है ये अभी भी जारी है यहाँ इस इलाके में। अड़ीगाम दिवसर की अगर हम बात करें, कुलगाम इलाके की अगर हम बात करें, हाँ। और माजी में भी ये जो इसके मुलाहिक इलाके हैं काफ़ी सेंसिटिव रहे हैं। कुलगाम पहले से ही जो हैं ये जो आतंकी गतिविधियां हैं या फिर एनकाउंटर्स की बात करें तो काफ़ी इसमें काफ़ी खबरों में सुर्खियों में पहले से ही रहा है। और यही वजह है कि आए दिन जो हैं यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे एनकाउंटर्स जो हैं उनकी बात करें तो इस तरह के एनकाउंटर्स होते रहते हैं। और सबसे बड़ी खबर जो है ये सुबह से जो उभर कर आ रही है अभी तक वो यही है कि इस एनकाउंटर में अभी तक दो टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए हैं। और अभी जो हैं ये जो कोई जानकारी क्या इस बारे में है कि ये जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए हैं ये कौन से टेररिस्ट आउटफिट से हैं और कितने और आतंकी ऐसे छिपे हो सकते हैं, क्या इस तरह की कोई जानकारी, कोई इनपुट्स आप तक पहुंच रहे हैं और इलाके में माहौल कैसा है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये डेंस रेजिडेंशियल पॉपुलेटेड एरिया है। बिल्कुल, डेंस रेजिडेंशियल पॉपुलेटेड एरिया है ये, लेकिन मैंने पहले भी बताया आपको सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक नीट एंड क्लीन ऑपरेशन, क्योंकि ये एक प्रीवियस प्रैक्टिस भी रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की, संयम बरतना और ऐसे में नीट एंड क्लीन ऑपरेशन अंजाम देना ये कोई बड़ी बात नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और ऐसे में इन इलाकों में जहाँ पे रिहायशी इलाके हैं तो यहाँ पे ही जो है एक ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ये साफ और शफाफ ऑपरेशन अंजाम देते हैं। जहां तक बात है जो आतंकी हैं तो अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट जो हैं वो अंदर छुपे हुए थे जिनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई है। और उसमें 2 की खबर जो है अभी सामने आई है, फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है कि किन कौन सी तंजीम से वो ताल्लुक रखते हैं,
तो वो जो है वो वक्फे वक्फे पे हम शेयर करते रहेंगे। फिलहाल अभी यही है कि दो जो टेररिस्ट हैं इसमें मारे गए हैं, उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है कौन सी तंजीम के साथ है। अलबत्ता जो ये एरिया है इसमें एक साफो शफाफ ऑपरेशन अंजाम देने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेज, और जहां तक ताल्लुक है इस इलाके का तो पहले ही यहां पे सिविलियन पॉपुलेशन को जो है अंदर घरों में ही जो है रहने की हिदायत दी गई है। यहां जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं, जो मेन रोड है मेन सड़क है ये हाईवे को टच करती है और दो जगह पे नाके लगाए गए हैं। इस जहूर हमें समझाइए कि टेरेन के हिसाब से और डेमोग्राफी के हिसाब से ये इलाका कैसा है और क्या टेररिस्ट के लिए यहां पर अनुकूल परिस्थितियां हैं कि अक्सर यहां पर छिप जाना या फिर टेररिस्ट आतंकवादियों को अंजाम देना, जैसा कि आप भी बता रहे थे, क्या बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं? टेरेन कुछ ऐसी है क्या? बिल्कुल, टेरेन तो है और सबसे बड़ी बात यह है कि बाग बगीचे चूंकि आजकल सेब के का सीजन है और बागात में यूजुअली एक डेंस वो जो है एक रहता है, उसकी वजह से पेड़ और जो चूंकि स्प्रिंग फेस्टिवल है और स्प्रिंग सीजन है और उसके चलते जो है बागात में पेड़ पत्ते और उसके चलते चलते जो चूंकि लो लाइन एरिया है ये और आजकल जो है शाली का सीजन भी है और शाली का सीजन और ऐसे में सेब का सीजन, ये दो ऐसे सीजन है जहाँ पे फसल जो है वो काफ़ी जो है हाइट पे होती है। और एक टेरेन का जहाँ तक ताल्लुक है, टेरेन का जहाँ तक आपने सवाल पूछा, तो टेरेन के हिसाब से हम बताएं आपको कि ये लो लाइन एरिया है, ये कोई जंगलाती इलाका नहीं है, ये बिल्कुल हाईवे को टच करता है। और ऐसे में अगर हम बात करें इस इलाके की तो ये हाईवे को टच करता है यहाँ से कुलगाम और यहाँ से अनंतनाग, और ये अनंतनाग और कुलगाम के बॉर्डर पे ये इलाका है, हाईवे भी इसको टच करता है, लो लाइन एरिया है। और यूजुअली जो है ये जो टेररिस्ट जो आतंकी हैं ये अक्सर बेशतर जो हैं इन इलाकों में जो है उनकी मूवमेंट रहती है, और यही वजह है कि कल जो इनपुट मिला सिक्योरिटी फोर्सेस को उस इनपुट के चलते जो है यहाँ पे एक ऑपरेशन जो है वो अभी तक जारी है। और ऐसे में ये गतिविधियां जो है वो होती रहती हैं, लेकिन जहां तक ताल्लुक है आपने बताया कि टेरेन बिल्कुल ये कोई जंगलाती इलाका नहीं है, रिहायशी इलाका है, गुंजान आबादी वाला इलाका है, लो लाइन एरिया है, और लो लाइन एरिया में यूजुअली सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी बड़ा चैलेंज रहता है कि पॉपुलेशन को जो है कैसे सेफ रखते हुए आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। सही कह रहे हैं आप जहूर, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए।